हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 फॉर क्लास 9। चैप्टर नेम इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन विच इज गिवन। व्हाट लेंथ है ना, क्या लेंथ लगेंगे ऑफ ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड, जिसकी चौड़ाई सपोज दैट ये टार्पलिन है ना, ये टार्पलिन है, मैंने मान लिया इसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है ना, बट इनकी लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके, वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। बनाना क्या है हमें, कोनिकल टेंट बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखोगे, कोनिकल टेंट बनाने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया है ना, अगर ये बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ये नीचे कोनिकल टेंट कभी भी वो जमीन पर रखी जाती है, और जमीन वाले पार्ट के लिए हमें टेंट का बनाने के लिए उसमें किसी भी क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ओपन होते हैं। ओके, जिनकी हाइट जो है वो 8 मीटर है और बेस का रेडियस क्या है 6 मीटर, यानी कि बेस की जो रेडियस है वो क्या है 6 मीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट कहने का मतलब ये होता है 8 मीटर। ओके, स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो कर्व सरफेस एरिया जो कोन बन रहा है वो कर्व्ड में बन रहा है ना, है ना, ये सिर्फ इसकी कर्व्ड वाली पार्ट बनेगी, टोटल तो बनेगा नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैंट हाइट को फाइंड करेंगे। ओके, दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग अप्रॉक्सिमेटली 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि वो 20 सेंटीमीटर जब आप फाइंड कर लोगे तो उसे अलग से ऐड कर लोगे, कि कटिंग किया होगा, स्टिच किए होंगे, तो उसमें जो मार्जिन लगे होंगे वो जरा जो क्लॉथ लगेगा उसके लिए आप अलग से, जब 20 सेंटीमीटर वो लगेंगे वो हमें मेंशनड है तो उसे अलग से मल्टीपल कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमें गिवेन है 3.14 हमें लेनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है ना, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को ही हमें स्टिच करना है। कपड़े का जो लेंथ सॉरी वाइडनेस है यानी चौड़ाई गिवन है और हमें उसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस कपड़े से बना रही हूँ तो ऐसे ही कपड़ा लगेगा, ऐसा नहीं कि सब मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होंगे, इसके लेंथ और ब्रिथ के बराबर होगा। कोनिकल जो भी हमें कोनिकल टेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड ट्रैपलिन होंगे उनका जो कपड़े वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होंगे है ना, तो वाइडनेस हमें गिवेन है, लेंथ फाइंड करना है, तो यानी कि उतनी कपड़े चाहिए जितना में कि इनका लेंथ आपको इक्वल हो जाए है ना। इट मीन्स कर्व सरफेस सबसे पहले ये फाइंड कर लूँ मैं है ना, गिवेन क्या है, गिवेन है हाइट है ना इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस इक्वल टू 6 मीटर, एल इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, ये 64 प्लस में 36 विच इज 100, और 100 का रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 10 मीटर। स्लैंट हाइट जो है हमारे इस कोन का वो क्या हो गया 10 मीटर। अब नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टार्पलिन है ना, उस टार्पलिन जो रेक्टेंगुलर शेप में है उतना ही कपड़े लगेंगे है ना, स्टिच करने के बाद जो वेस्टेज वगैरह उसकी अलग से मैं प्लस कर दूंगी, या तो यहाँ पे मैं चलो लास्ट में करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया पाई आर एल एंड इक्वल टू में लेंथ मल्टीपल में ब्रेथ, हमें गिवन है कि जो पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 मल्टीपल रेडियस क्या है 6 एंड मल्टीपल 10 उसकी हमने स्लेंट हाइट को फाइंड किया, लेंथ हमें फाइंड करना है, ब्रेथ हमें गिवन है विच इज 3। अब मैं आगे चलती हूँ। ओके,
3.14 मल्टीपल 10 तो क्या हो जाएगा 31.4 है ना, 31. नेक्स्ट स्टेप इस तरीका से मैं देते चलूं, नेक्स्ट स्टेप का साइन, तो 31.4 मल्टीपल 6 और हमारा जो ब्रेथ है वो क्या आ जाएगा इस साइड में, हम ये हमारा 3 जो है वो इस साइड में शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इक्वल टू हमें फाइंड करनी है लेंथ विच इज 3. 3 से डिवाइड करोगे ये आ गया आपका 2 जा, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा इतना एंड मार्जिनल पार्ट, ये हमारा जो एक्स्ट्रा जो लगे होंगे जो वेस्ट हुए होंगे वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन इन वेस्टेज इज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, तो वो हम क्या कह रहे हैं दैट द लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा है ना, लेंथ उसकी लेंथ वाली में, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे है ना, इट मीन्स इसे जब मल्टीपल करोगे तो आ जाएंगे 62.8 एंड प्लस में 0.2 ये मीटर में है, दैट्स वाई मैंने इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जब दोनों को ऐड करोगे तो 63 मीटर स्क्वायर एरिया जो है स्ट्रैपलिन नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं लेंथ हमने फाइंड किया ना, हाँ लेंथ क्या होंगे 33 मीटर उसकी लेंथ होगी और 3 मीटर उनके ब्रेथ होंगे, तो इस मेजरमेंट का वो जो आपका कोनिकल टेंट है वो बन जाएगा। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।